Good morning to all. Today we will start a new chapter in course book, and the chapter name is Magpie's Nation. Magpies is a bird, and this chapter is all about birds in making their nest. And magpie is a bird who made her nest very neatly and very clean, and it was very beautiful. So all the other birds come to magpies to learn from her how to make the nest. Okay, magpie एक bird है जो अपना घोंसला बहुत सुंदर बनाती है, और इसीलिए दूसरे birds उसके पास आते हैं और उसको nest बनाने के बारे में पूछते हैं कि कैसा nest बनाया जाए. And this chapter is all about birds. Here some facts there, some fun fact is about birds are there, and these are birds do not have teeth. ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह पे दांत होते हैं और उसको हम चबा के खाते हैं, और उस तरह जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो सब खाना खाते हैं, मगर बर्ड्स के दांत नहीं होते. ठीक है, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बट दे डू हैव अ बोन इन दैट टंग. उनके दांत नहीं होते हैं, मगर उनकी जो टंग होती है, मतलब उनके अंदर जो टंग होती है उसमें बोन्स होते हैं, जिससे वो जब खाना खाते हैं तो उसको चबाने के या उसको अंदर लेने की सहायता करती है. बर्ड्स यूज देयर कीन आईसाइट टू फाइंड फूड. उनकी जो नजरें हैं वो बहुत शार्प होती हैं. ठीक है, बहुत ही शार्प होती हैं कि कहीं भी दूर में भी अगर कुछ दाना उनको दिखा, खाने का कुछ वहाँ गिरा है, तो उनको तुरंत दिख जाता है और वो आके खाना खाने लगती है. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज एंड गेट्स वॉक्स वॉर्म्स एंड स्मॉल मैमल्स फिश फ्रूट गेम और ग्रेन और नेक्टर. ठीक है, वो अपनी चोंच और अपने पैर जो क्लॉज होते हैं उनके, जो वो यूज करते हैं दाना चुगने के लिए, दाना खाने के लिए, या कुछ भी चीज खाने का जो भी है वो उसको खाने के लिए अपने बीक और क्लॉज का यूज करते हैं. मेल बर्ड्स हैव ऑफन हैव ब्राइटली कलर फेदर्स. पक्षी जो होती है मादा भी होती है और नर भी होते हैं. ठीक है, जैसे फीमेल होते हैं मेल होते हैं, जो मेल बर्ड्स होते हैं उनके जो फेदर होते हैं वो बहुत ब्राइट कलर के होते हैं. ठीक है, डीप कलर के होते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, ये मेल है. द ऑस्ट्रिच इज द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच जानते हो लार्जेस्ट बर्ड है और वो बहुत तेज दौड़ता है. ठीक है, बहुत तेज दौड़ती है मगर वो उड़ नहीं सकती. Write the names of four birds that you see around your house or school. हमारे घर के चारों तरफ जो भी birds दिखते हैं यहाँ पर उनके नाम लिखने होंगे. Okay? And you will write the names of the bird here. So we'll start the chapter now. Magpies are found in America, Europe and Australia. Magpies जो bird है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? America, Europe and Australia. दे आर ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर. उनकी कलर ब्लैक एंड व्हाइट होती है. दे आर सोशियबल बर्ड्स हु लव ब्राइटली कलर्ड ऑब्जेक्ट्स व्हिच दे ऑफन स्टील फ्रॉम पीपल्स गार्डन. ठीक है, वो कंपनी पसंद करते हैं, मतलब एक साथ रहने में पसंद करते हैं, उनको बहुत पसंद है एक साथ रहना, और उन्हें ब्राइट कलर की चीज़ें भी बहुत पसंद है. इसलिए जब भी वो उड़ते हैं, गार्डन में उड़ते हैं, तो जो ब्राइट कलर उनको दिखता है वो उसको ले लेते हैं. Years and years ago, ever so many years ago, only one bird in the whole world knew how to build a nest. बहुत पहले long year ago, तब जितने भी बर्ड्स हैं किसी को भी घर बनाना या फिर नेस्ट बनाना नहीं आता था, मगर मैगपाई वॉज द ओनली बर्ड हु न्यू हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट. मैगपाई ही एक ऐसा ही बर्ड थी जिसे घर बनाना या फिर नेस्ट बनाना आता था. दैट वाइज बर्ड वॉज द मैगपाई.
मैगपाई, उसका नाम क्या था? मैगपाई। वन डे ऑल द अदर बर्ड्स वेंट टू द मैगपाई, दे वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू बिल्ड नेस्ट, दे बेग्ड द मैगपाई टू टीच देम। ठीक है, तो दूसरे जो बर्ड्स थे, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ नाम लिखी हूँ, बोबोलिंग, ओरियल, विक, पुअर, विल, रॉबिन, लार्क, स्पैरोज, क्रो, बुलबुल, बहुत सारे बर्ड हैं, तो उनको नेस्ट बनाना नहीं आता था। ठीक है, इसीलिए सब मैगपाई के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें नेस्ट बनाना सिखाए। इंडीड आई विल बी ग्लैड टू टीच यू, सेड मिसेस मैगपाई, जस्ट वॉच एंड लिसन टू मी, फर्स्ट यू मस्ट चूज अ टॉल ट्री लाइक दिस ग्रेट ओक, देन टेक स्टिक्स। तो फिर वो भी खुश होती है कि सब सारे बर्ड्स उसके पास आए हैं नेस्ट बनाने के लिए, सीखने के लिए, तो वो बोलते हैं कि मैं जरूर सिखाऊंगी। तो पहले क्या करना है वो बताती है कि पहले एक बड़ी सी ट्री, बड़ी सी पेड़ को चूज करना पड़ेगा और कुछ कुछ स्टिक्स तुमको उठाना पड़ेगा, बिच से उठा के लेके वहां जाना पड़ेगा। अ ट्री ब्रोक इन द बोल्ड ईगल, अ ट्री हियर इन दिस वैली, नो ट्रीज नॉर वैलीज फॉर मी, माय नेस्ट शैल बी ऑन द हाईएस्ट क्लिप ऑफ द माउंटेन, ईगल बोलता है। ठीक है, ईगल भी वहां था मैगपाई से नेस्ट बनाने के लिए, सीखने के लिए आया था, तो वो तुरंत बोलता है कि ट्री के ऊपर, मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ, वैली में रहता हूँ, वहां पर इतने बड़े बड़े ट्रीज कहाँ से आएंगे, मैं नहीं बना सकता, मैं अपना जो भी घर है वही हाईएस्ट क्लिप, जैसे पहाड़ के ऊपर ही वहीं पे बनाऊंगा, और वो वहां से उसके और बात मैगपाई का नहीं सुनता है। एंड अवे फ्लू द ईगल विदाउट वेटिंग टू हियर मोर ऑफ द मैगपाई'स लेसन, और ईगल वहां से चला जाता है और मैगपाई का कोई बात नहीं सुनता है। टू दिस डे ही पुट्स टुगेदर अ फ्यू रॉक स्टिक्स ऑन अ रॉकी माउंटेन क्लिफ एंड कॉल्स देम अ नेस्ट, तो ईगल वहां से उड़ जाती है, तो फिर वो बाद में क्या करती है कि वो स्टिक्स लेके पहाड़ के ऊपर या पहाड़ के किसी कोने कोने में वहां पर अपना स्टिक्स वगैरह सब रख के वहां पे अंदर घोंसला बनाती है। द मैगपाई बिगन अगेन, टेक स्टिक्स लाइक दिस शी सेड टू अ हाई ब्रांच, आर यू अ फूल, क्राइड द लार्क, फिर से मैगपाई बोलना शुरू की कि तुम लोग को स्टिक लेना है, उसको लेके जाना है। तभी एक और बर्ड जो लार्क है, लार्क था उसका नाम, तो वो बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो, इतने बड़े पेड़ के ऊपर स्टिक को लेके जाएंगे वहां बनाने के लिए, डोंट यू नो दैट द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड विल ब्लो योर नेस्ट टू द ग्राउंड, तो लार्क बोलता है कि तुम क्या पागल हो कि मैं इतनी दूर लेके जाऊंगी और वहां पे बनाऊंगी, और अगर तेज से हवा चली तो वो तो नेस्ट गिर ही जाएगा नीचे, तो वो भी मैगपाई की बात नहीं सुनता है और वहां से चले जाता है। एंड द फर्स्ट बॉय हु कम्स दिस वे विल थ्रो स्टोन्स एट इट, एडेड मिसेस बोबोलिंग, तो बोबोलिंग भी एक बर्ड है, वो जब बात सुनता है तो बोलता है कि हाँ कोई बच्चा आएगा तो मेरे नेस्ट को देखेगा झूल रहा है और पत्थर मार के उसको गिरा देगा और नेस्ट टूट जाएगी। No branch, no high branches for us, sang the lark and the bobolink together. And down they flew into the tall grass of the meadow. There they have made their nest ever since. तो बोबोलिंक और लार्क उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं और वहां से चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे मतलब मिड्डो मतलब जहाँ घास लगे रहते हैं, जमीन, घास की जमीन जहाँ पर होती है, बड़ी बड़ी घास रहती है, उसके नीचे वो अपना घोंसला बनाते हैं। सो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग इट नाउ, देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। सो फ्रॉम दिस ओनली यू हैव टू रीड इट वंस एंड गो थ्रू इट प्रॉपरली, इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट द चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट।